हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है, हमारे चैनल बस एक माध्यम है आप लोग को देश के हर एक कोने कोने की, जहाँ भी जो भी आपको छोटे बड़े बहुत मंदिर है जो कि आप लोग को उसका महत्व और इतिहास नहीं पता है, वो सब हम दिखाते हैं एक वीडियो के माध्यम से। और जो बहुत फेमस मंदिर है और आपका बहुत फेवराइट है उसके बारे में भी दिखाते हैं, और वो वीडियो दिखाते हैं, और वीडियो के बाद मैं देती हूँ आप लोग को ढेर सारे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो कि मंदिर के बारे में वो वीडियो में नहीं बताया गया था या फिर आप लोग को पता नहीं है। तो चलिए फिर आज हम जाएंगे माता जी जो कि मंदिर जो कि चोटीला में है, गुजरात की चोटीला में वो है चामुंडा माता जी मंदिर। तो पता था आपको इस मंदिर के बारे में? नहीं, लेकिन इसका महत्व बहुत अच्छा है। इसको एक बार मंदिर के देखिए, हम एक ब्लॉग लेके आए हैं जो कि एक जो ब्लॉगर है वो लेके जा रहे हैं हमें मंदिर के तरफ से, वो वहाँ मंदिर के पूरा चारों तरफ दिखाए हैं। तो चलिए फिर वो मंदिर देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मंदिर के बारे में जो भी जानकारी है मैं आपको दूंगी, इसलिए आप मंदिर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और फिर आपका आज का वास्तु टिप्स भी दूंगी लास्ट को। तो चलिए फिर अभी टाइम बर्बाद किए बिना हम मंदिर स्टार्ट कर लेते हैं, मंदिर घूमना, और फिर उसके बाद जो भी जानकारी वो दे देंगे, ठीक है? तो चलिए लिस्टर, हाँ ये है टूर ऑफ इंडिया चैनल का, तो चलिए फिर इनका चैनल देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो लिस्टर हाँ, मंदिर का जो डिस्क्रिप्शन में हम इनका लिंक दे देंगे, आप वहाँ चाहो तो आप लोग जाके विजिट कर सकते वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के चोटीला धाम। ये माँ चामुंडा का चोटीला का मंदिर है और यह राजकोट जिले के अंतर्गत आता है। राजकोट जिले से मात्र 50 किमी हिस्सा है, अहमदाबाद राजकोट मुख्य हाईवे पे आता है। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है घूमने में, और शक्तिपीठ आप गुजरात में कहीं भी किसी कोने में जाकर पूछेंगे माँ चोटीला का धाम जाना है तो आपको जरूर इजीली रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये हाईवे पे। तो दुर्गेश भाई, चलते हैं, दर्शन करते हैं और दोस्तों को भी करवाते हैं। चलिए हरीश भाई। हाँ बिल्कुल दुर्गेश भाई, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ 635 सीढ़ियाँ है, 635। और जो लोग दुर्गेश भाई आपको बता दूँ, आप जो मंदिर दिखा रहे हैं, जो लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते, बुजुर्ग हैं और जो अब ज़्यादा नहीं चल सकते हैं और जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द है, उन्हीं के लिए ये मंदिर नीचे बनाया है ताकि लोग यहाँ से दर्शन कर सकें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। दोस्तों चलते हैं ऊपर वाले मंदिर की ओर। बिल्कुल दुर्गेश भाई, पहाड़ी पर है ये मंदिर। हाँ पहाड़ी पर, आप देखिए दुर्गेश भाई यहाँ से दिख रही है पहाड़ी, और जी हाँ, इसीलिए इसे चोटीला कहते हैं, चोटी पर ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, चोटीला बड़ा चामुंडा का मंदिर, चोटीला। जय माता दी, जय माता दी। तो दुर्गेश भाई, हमने माता जी का घंटा बजा दिया है और हटा दो ऊपर। सीढ़ियाँ ज्यादा हार्ड नहीं है, और तीन सीढ़ियों के बाद गैप और चलने में बिल्कुल आसानी होती है और इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से आ सकते हैं। पर दुर्गेश भाई कोई ज्यादा बुजुर्ग हो, किसी की घुटने में दर्द हो, इसीलिए वो मंदिर बनाया गया। चंड मुंड नाम के राक्षस थे दुर्गेश भाई जी, बिल्कुल बताइए आप कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, चंड मुंड नाम के राक्षस थे, उनको मारा था माता जी ने और चामुंडा, इसीलिए तो मैंने भी वो अपनी अभी गाया था ना सॉन्ग भजन जी। हाँ, चंड मुंड भाग क्या जाए, दुर्गेश भाई चंड और मुंड। दुर्गेश भाई वैसे थोड़ी सी मेरी सांस तो भूलेगी, वैसे तो पहाड़ी है और ऊपर का मंदिर तो दुर्गेश भाई लाजवाब और शानदार है। धीरे धीरे सीढ़ियां भी ज्यादा हो रही है। दुर्गेश भाई वैसे फिर तो नहीं है, सीढ़ियां ज्यादा हो रही है और कहीं कहीं पर दुर्गेश भाई घंटी में भी आएगी। तो
तो दोस्तों थोड़ा ऊपर मिलते हैं, सांस फूल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ भी अच्छे अवसर होंगे, अच्छे लोकेशन होगी, हम आपको जरूर वापस मिलेंगे। तो दुर्गेश भाई, हमने 100 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और सांस भी फूल रही है, तो चलते हैं आगे की ओर। अब जितनी सीढ़ियां क्रॉस करेंगे, जय माता दी, जय माता चामुंडा। दुर्गेश भाई भी नॉर्थ गए हैं तो सुविधा में होगा, यहाँ स्वास्थ्य है और रखने की जगह नहीं होती। दुर्गेश भाई एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पर जगह जगह पर ये कचरा पात्र लगे हैं। बिल्कुल, इस साइड और उस साइड दोनों साइड है दुर्गेश भाई, तीनों साइड है, देखिए आप उस साइड भी है। यस भाई, सफाई के लिए यहाँ पर बहुत ध्यान है। दुर्गेश भाई कितनी सफाई है, देखो आप पूरे हमारे पहाड़ी तक मंदिर तक नीचे से भी और ऊपर से भी। जय माता दी, जय माता दी। भाई देख रहे हैं आप नीचे गांव, और अभी तो हमें काफी ऊपर जाना है, अभी से तो ठीक ठाक है, आगे और भी बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो जय माता जी। भाई अब आप देख सकते हैं रास्ता बड़ा दुर्लभ हो चुका है। भाई देखो चढ़ाई एकदम सीधी आ चुकी है, हरीश भाई को पसीना होने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चढ़ाई सीधी है ना दुर्गेश भाई, मुझे भी हो गया हरीश भाई। अब माता जी, जय माता जी। सीधी चढ़ाई है, चलते हैं और चढ़ाई पर चढ़ते हुए माता जी के दर्शन करने। काफी एज वाले लोग भी आते हैं, दूसरी कोई ऐसी बात नहीं है, माता जी की शक्ति है तो शक्ति ही है। दुर्गेश भाई महाकाली माँ का मंदिर आ चुका है, जय माता जी, जय माता जी। और भी कठिन चढ़ाई है इस भाई। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश भाई, जय माता जी। इतना खूबसूरत है।
दोस्तों आपको कहना चाहूंगा लाइक करें, शेयर करें। सांस फूल रही है योगेश भाई, पहाड़ी बहुत ही थोड़ी सी दुर्गम थी, तो जय माता दी सभी दोस्तों को। और आपसे कहना चाहूंगा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट जरूर बताएं जैसे कि आपको क्या अनुभूति हो रही है, आपको कैसे। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। पूरा मंदिर इन्होंने दिखा दिए हैं, हम पूरा मंदिर घूम लिए। उसका चारों तरफ का जो इतनी नेचुरल सीन है वो कितना मनमोहक है। और फिर मंदिर का जो मंदिर भी इन्होंने एक्चुअली वो जो मेन देवी माँ जी है उनका पिक्चर नहीं दिखाए हैं, तो इनका पिक्चर मैं दिखा दे रही हूँ। चलिए प्रणाम कीजिए। और फिर हाँ, इनके बारे में बोला जाता है ना माता के बारे में कि जो भी कोई मनोकामना कोई भी होता है इनके यहाँ और आके नारियल का मानसिक चढ़ाया जाता है और फिर माँ जरूर पूरा करते हैं। और यहाँ चुनरी बांध के भी आप मानसिक रख सकते हो और नारियल दान करके भी रख सकते हो। और हाँ, मंदिर की जो जो चोटी जो है, जो चोटीला जो है ऊँचाई उस जो पर्वत का है वो है 1173 फीट। और फिर उसका बहुत कितनी ऊंचाई है, देखिए कितनी सीढ़ी है, 600 कितनी सीढ़ी है उन्होंने चढ़ के गए, तो उतना ऊंचाई में है। और वो तो एक और ही भी अच्छा लगता है, जो कि इतने ऊंचाई में मंदिर होता है तो और भी एक अच्छा लगता है। इसके पास में एयरपोर्ट है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, सब है, बहुत अच्छा अच्छा सब है। और आप लोग चाहो तो आराम से आप लोग जा सकते हो। और फिर यहाँ का जो माना जाता है कि रात को, हाँ ये शाम को बंद हो जाता है मंदिर, लेकिन अगर आप जाइएगा तो दिन में जाइएगा, 6 बजे के बाद वो बोलते हैं कि मंदिर बंद हो जाता है, दर्शन बंद करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी ऊंचाई में है, जंगल में पहाड़ी के ऊपर है, तो जंगली जानवर सब का भय रहता है। और सर्प तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, बोलते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्प भय रहता है। और इधर उधर आप जब भी जाइएगा तो वो भी आमने सामने इधर उधर होते रहते हैं, और फिर दूसरे जानवर का भी भय रहता है, इसलिए शाम को मंदिर बंद करवा देते हैं। और हाँ, जैसे कि वीडियो में बोला गया कि चनमुंड नामक दो राक्षसों को मार के स्वयं माँ पार्वती जो है वो स्वयं आके यहाँ विराजित है चंडी चामुंडी रूप में। और हाँ, इस जगह को पांचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर तरनेतर है, जहाँ की एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ अर्जुन ने जो हमारी द्रौपदी के स्वयंवर जीते थे। बोला जाता है कि पांडव ने आके यहाँ मंदिर में भी माँ के दर्शन किए थे, यहाँ पूजा पाठ भी किए थे। और यहाँ पास में एक जो भक्ति वन है वो एक पार्क जैसा है, बहुत अच्छा वहाँ का नेचुरल सीन है। आप लोग यहाँ जाइएगा तो वहाँ वन में भी जाके, वहाँ पार्क में भी जाके एंजॉय कर सकते हो। वहाँ एक भव्य मंदिर भी है पास में, आप लोग यहाँ जाइएगा तो उस मंदिर में भी जरूर जाना, वो बहुत सुंदर मंदिर एक है, जलारियम मंदिर, तो आप वहाँ जाइएगा। मैं उसको दिखा दे, लेकिन हाँ उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे, बहुत सुंदर मंदिर है आप लोग। हाँ, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, आप लोग अगर यहाँ जाइएगा तो वो भी मंदिर जाके दर्शन कर सकते हो। तो चलिए, इस मंदिर के बारे में इतना सब कुछ पता चल गया, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जाइएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट प्लीज़ कीजिए। तो चलिए, अभी बारी है आपका वास्तु टिप्स का। आज का वास्तु टिप्स है बिजनेस के लिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग के लिए ये टिप्स है। ये है जो कछुआ का मैं कुछ दिनों से दे रही हूँ, उसका अलग अलग धातु का कैसे अलग अलग काम है, तो ये टिप्स उसी का है, कछुआ का है। कछुआ सिल्वर का कछुआ है जो चांदी का, तो इसको अगर आप रखिएगा तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी वास्तु के हिसाब से, फेंगशुई के हिसाब से। ये कहा जाता है कि अगर आप सिल्वर का वो कछुआ रखिएगा तो आपका बिजनेस में बहुत इम्प्रूव होगा। तो चलिए, हाँ इसका एक लिंक भी मैं अमेजन का दे दे रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाके देख सकते हो। और हाँ, मैं लेकिन जो भी मैं बस एक डिजिटल, आप लोग का कैसे पता चलेगा नहीं चलेगा, कौन सी सामान अच्छा बुरा, इसी सोच में मैं बस एक एक लिंक दे रही हूँ। आप लोग अगर चाहो तो उसी को ले सकते हो, या फिर उसी के अगर वो हाँ ओपन कीजिएगा तो बहुत सारा और दूसरा भी देगा। मेरा बस वास्तु का टिप्स मैं दे रही हूँ, अगर आपको वही चीज़, ऐसा नहीं कि मेरा लिंक से बस वही चीज़ खरीदना है। हाँ, मैं उसको, मैं जो लिंक दे रही हूँ उसको अच्छा से देख कर दे रही हूँ। और मिडिल क्लास जैसे कि कोई भी, जैसे कि कंफर्ट हो सकता है उसे रेंज में देख कर मैं उसी का बस दे रही हूँ। आप लोग चाहो तो उससे कॉस्टली भी ले सकते हो, उसे कम रेंज में भी ले सकते हो। आप वहाँ अगर क्लिक करोगे तो वहाँ देखिएगा, वहाँ आसपास बहुत सारा दूसरा दूसरा भी आ जाएगा, आपको अगर कोई भी पसंद आए तो आप उसको भी ले सकते हो।
तो चलिए आज का वास्तु टिप्स आपको हो गया, इसका लिंक भी नीचे दे दे रही हूँ, आप लोग चाहो तो वहाँ जाके भी देख सकते हो। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।